हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के एक और न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये पिक ओपन हो चुकी है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। अब हमें सिंपल से क्या करना है, टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से जाना है टू इमेज वाले ऑप्शन पे। और यहाँ से फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से इसकी एम्बियंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, आपको सिंपल से फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से सेलेक्टिव वाले ऑप्शन को चूज करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने फेस को ब्राइटनेस के इंक्रीज करेंगे इतनी, और जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ हम ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना हो चुका है। अब यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, आपको सिंपल से फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से जाना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इतना 25, और यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, इसको हम ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुकी है, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, इस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक लेयर बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, इस लेयर पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड जो नॉर्मल लिखा हुआ है उसे कर लेंगे हम सॉफ्ट लाइट, और यहाँ से कर देंगे हम कट। अब फ्रेंड्स, जाना है हमको कलर्स वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हमें जाना है HSL वाले ऑप्शन पर। यहाँ से आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान नहीं गए तो। और यहाँ से हमें एच को रखना है 51 पे, एस को 57, एल को 89 पे। और फ्रेंड्स, हम यहाँ से अब इसे कर देते हैं कट। अब फ्रेंड्स, हमको जाना है इस पेंसिल वाले आइकन पे, और यहाँ से हम इस वाली ब्रश को चूज करेंगे बॉल पॉइंट पेन को, और यहाँ से हम इसकी सेटिंग को देख लेंगे। इसकी ओपासिटी को रखेंगे 100 पे और साइज़ को अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम कट कर देते हैं और पिक को कुछ इस तरह से हम जूम कर लेंगे, और यहाँ से इस वाले बिंदु पर क्लिक करके आप ब्रश का साइज छोटा भी कर सकते हैं, राइट की तरफ करके बड़ा होगा और लेफ्ट की तरफ करके छोटा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको किस तरह से ये यूज करना है, अपने फेस पर ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से आपके अपने फेस पर ये ड्रॉ करना है, ऐसे कर देगी फ्रेंड्स, ये वाइट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लेता हूँ इसे जल्दी से। फ्रेंड्स, हमने इतना कर लिया अपने फेस पर ड्रॉ। अब फ्रेंड्स, हमको सिंपल से क्या करना है, इस वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस लेयर पर क्लिक करके इसको कर देंगे मर्ज ऑल। तो फ्रेंड्स, से मर्ज हो चुका है। अब हमको फ्रेंड्स, सिंपल से अपने फेस को करना है स्मूथ, इसे स्मूथ करना है। तो सबसे पहले हमें पेंसिल वाले आइकन पर जाना होगा। अब जाएंगे हम लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हम चूज करेंगे इस वाले ब्रश को, और यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे इसकी। तो फ्लो को रखेंगे हम 5 पे, और स्ट्रेंथ को रखेंगे 8 पे, और यहाँ से साइज़ को अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ से कर देंगे हम कट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं लेफ्ट राइट करके। अब फ्रेंड्स, आपको किस तरह से ये यूज करना है अपने फेस पे, कुछ इस तरह से राउंड राउंड करके इसे यूज करना है, ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ड्रॉ स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको राउंड राउंड करके करना है ये बस। अब तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपने पूरे फेस पर ड्रॉ कर लिया, स्मूथ कर लिया अपने फेस को। देखिए फ्रेंड्स, इतने अच्छे से स्मूथ हो चुका है ये। अब फ्रेंड्स, हम अब इसको शेयर करेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमको लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से एक्सपोजर को इंक्रीज करना है इसके 40 तक, और यहाँ से इसके कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे 60%, और यहाँ से इसके हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमको यहाँ से इसके कलर वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और यहाँ से इसके टेम्प को इंक्रीज करना है, और इसकी टेम्प को 6% करेंगे, और टिंट को करेंगे हम 20% तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आपको इफेक्ट वाले मिक्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर चूज करना है, और यहाँ से इसकी ही को डिक्रीज करना है और सेचुरेशन को इंक्रीज करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स, येलो वाले ऑप्शन पर आके
इसकी ह्यू को डिक्रीज करेंगे और सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। अब फ्रेंड्स आ जाना रेड वाले ऑप्शन पे, यहाँ से हम करेंगे लुमिनस को इंक्रीज फेस को वाइट करने के लिए, इतना कर लेते हैं 10% और यहाँ से कर देंगे हम डन। अब फ्रेंड्स आपको इतना करने के बाद आ जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हम इसके टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे इतने 40% और क्लियरिटी को भी इंक्रीज करेंगे 30% तक। और यहाँ से आ जाना आपको विंटेज वाले ऑप्शन पे, इसकी रिडेंस को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से अब आ जाएंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसकी शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से डिटेल्स को इंक्रीज करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाना इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसकी डिटेल्स को इंक्रीज करेंगे 60% तक और यहाँ से इस वाले ऑप्शन में आके इसकी स्मूथनेस को कर देंगे फुल। और यहाँ से आप फ्रेंड्स जूम करके देख सकते हैं आप कितना अच्छे से स्मूथ हो चुका है ये हमारा फोटो। तो फ्रेंड्स आपको अब यहाँ से क्या करना है, इसे कर लेंगे हम सेव अपने शेयर वाले ऑप्शन पे जाके। तो फ्रेंड्स इसे सेव हो चुका है, अब यहाँ से कर देंगे हम ओके। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए फ्रेंड्स।